बाबा हाँ क्रिकेट वॉर होती है और गेम होती है। अच्छा क्रिकेट तो गेम होती है, वॉर कहाँ से हो गई? वॉर में तो फाइटिंग वाइटिंग होती है, गोलियां मारते हैं। फिर वो आदमी क्या बोल रहा था? ये मोरल इनका अप होना चाहिए, जब ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाएं, किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाएं, किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी। अरे कहना क्या चाहते हो? ये जक्का अशरफ साहब क्रिकेट बोर्ड के हेड है, ये बेचारे यार, ये जो हमारे पंजाबी भाई होते हैं ना, ये इतनी पंजाबी फिल्में देख चुके होते हैं ना कि इनका दिमाग कभी कभी काम नहीं करता, लॉजिक वॉजिक समझ नहीं आती। आपको मालूम है 1992 में एक दफा जब पाकिस्तान टीम ने क्या जीता था? वर्ल्ड कप। यस, लाहौर आई वो टीम वापस जीत के। यस, सब लोग, दुनिया की हर टीम, दुनिया का हर जितना वो थे ना एक्सपर्ट, सब कह रहे थे पाकिस्तान जीत नहीं सकता एक्सेप्ट फॉर वन मैन, दैट वाज सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 10,000 रन पूरे किए। गावस्कर कह रहे थे कि नहीं नहीं पाकिस्तान जीत जाएगा और जावेद पाकिस्तान को जितवाएगा। तो यह पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया से आई है और लाहौर में उसका इस्तकबाल हुआ है, तो उसमें स्पेशली गावस्कर को बुलाया गया, बीइंग अ फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान। तो दिलदार परवेज भट्टी थे एक कॉम्पेयर, बहुत ज़बरदस्त आदमी थे, बहुत अच्छी इंग्लिश उर्दू सब बोलते थे। वो एक्साइटेड हो गए और उन्होंने माइक लेके कहा कि हम पाकिस्तानी अपनी जीत में सबको भुला देते हैं, हमारे दुश्मन मुल्क का गावस्कर। अब जावेद मियादाद वाज लाइक यूं, गावस्कर भी बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि गावस्कर वाज इन लाहौर एज अ फ्रेंड ऑफ पाकिस्तानीज, और दिलदार परवेज भट्टी साहब ने कह दिया दुश्मन मुल्क का गावस्कर, तो बैड टेस्ट हो गया ना। yes. यही होता है हमेशा पाकिस्तानियों के साथ, और ये पंजाबी भाई करते हैं। मालूम है क्यों? क्यों? वो क्या देखते हैं जिसकी वजह से उनका दिमाग बिल्कुल ऐसे ही गायब हो जाता है? क्या? ये देखते हैं। सलाम मैच बेईमानी नाल तू जीत्या सी जाबर खान, पर आज दा मैच जीते ते मैं तेनू मना। और ये जो सुल्तान राई साहब थे ना, पंजाबी फिल्म के सबसे माचो मैन, और मौला जट, ओरिजिनल मौला जट सुल्तान राई, सब पंजाबी समझते थे कि वो पंजाबी हैं। ही वॉज अ नॉन पंजाबी जस्ट लाइक सुधीर, गुलाम मुहियुद्दीन एंड मुस्तफा कुरैशी।